So today we will discuss about consumerism and waste product. So what is waste product? Waste product is anything that is unusable or unwanted substance or material produced during as a result of a process such as metabolism or manufacturing. कोई भी चीज़ हम देखते हैं या तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, मेटाबॉलिज्म का या मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। कोई भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ चीज़ प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है दैट इज़ अनयूजेबल और अनवांटेड, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। देन व्हाट इज़ कंज्यूमरिज्म? कंज्यूमरिज्म is the protection of the right and interest of the general pool of buyers or an obsession with buying material goods or items. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खरीदते हैं, कोई भी लोग हैं जो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उनके rights का protection क्या कहलाता है? consumerism, ठीक है, उनके interest और rights का प्रोटेक्शन कंज्यूमरिज्म कहलाता है। और एन ऑब्सेशन विद बाइंग मटेरियल गुड्स और आइटम्स, अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बायज एंड यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कोई भी चीज़ खरीदता है, ठीक है, या वो चीज़ यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर्स आर नॉट ओनली फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटी बट ऑल्सो इन द अदर सोसाइटीज। कंज्यूमरिज्म रेफर्स टू द लाइक we human beings we consume several things but apart from human beings there are animals, there are birds, other species also who consume various foods, various things, theek hai, so there are also consumers. So consumerism refers to consumption of resources by the people, koi bhi resources ko consume karna किसी लोगों के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमरिज्म। वाइल अर्ली ह्यूमन सोसाइटी यूज्ड टू कंज्यूम मच लेस रिसोर्स, विद द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया कंज्यूमरिज्म हैज शोन एन एक्सपोनेंशियल राइज। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है ह्यूमन सोसाइटी ने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने शुरू कर दिए थे। पहले क्या होता था, पहले इतने रिसोर्सेज ना तो अवेलेबल होते थे ना ही लोगों को ज़रूरत होती थी इतने रिसोर्सेज की, वो थोड़े में ही अपना जो है गुजारा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, तो लोगों की जो है फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लोगों की डिमांड्स बढ़ गई हैं, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है। एफिशिएंट कंज्यूमरिज्म इज़ द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट टू मिनिमाइज वेस्ट एंड टू प्रमोट द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की अच्छी इकोनॉमी के लिए और वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एफिशिएंट कंज्यूमरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम किफ़ायती होना चाहिए, ठीक है, तो हमें किफ़ायत से जो है रिसोर्सेज को कंज्यूम करना चाहिए। टुडेज 20% ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन कंज्यूम 86% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिसोर्सेज, सो एज अ रिजल्ट देयर वुड बी वेस्ट प्रोडक्ट्स एज दे आर कंज्यूमिंग एंड देन थ्रोइंग देम अवे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूसेज एंड फाइनली सच काइंड ऑफ प्रोसेस लीड्स टू पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्या करते हैं लोग, जो रिचेस्ट जो 20% वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, ठीक है, उनमें से जो वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेज हैं उनका 86% खाली वही यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, उनको फेंक देते हैं, ठीक है, थोड़े दिन यूज़ करने के बाद, तो उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। एट द सेम टाइम इट इज़ इनइक्वालिटी एज वेल, द रिसोर्सेज आर नॉट डिवाइडेड प्रॉपरली अमंग द पीपल, दे आर नीदर सेव्ड नॉर कंज्यूम्ड प्रॉपरली ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, माइग्रेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मैनी पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर and from rural areas to urban areas in order to improve and have a high standard of living. Migration ho raha hai logon ka, logon ko facility gaon mein logon ke liye kam facilities hain, kam resources hain, to isliye wo log migrate karke urban areas mein ja rahe hain ya dusre countries mein ja rahe hain. Two types of conditions of population and consumerism exist
फर्स्ट इज़ ओवर पॉपुलेशन ऑफ पीपल एंड सेकेंड इज़ ओवर पॉपुलेशन ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, या तो लोग ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं, या लोग कम हैं रिसोर्सेज ज़्यादा हैं. ठीक है, तो इट अकर्स, जैसे कि हमारे देश में लोग ज़्यादा हैं रिसोर्सेज कम हैं. इट अकर्स व्हेन देयर आर मोर पीपल देन अवेलेबल सप्लाईज ऑफ फूड water and important resources in the area. Excessive population pressure causes the degradation of the limited resources. They are absolutely poverty, undernourishment and premature death. क्या होगा? Degradation होगा resources का, poverty बढ़ेगी, undernourishment होगा, premature death होंगी. This occur in less developed countries or developing countries. Here, due to a large number of people, adequate resources are not available for all. ओवर पॉपुलेशन ऑफ कंजम्पशन में क्या होगा, जैसे कैनेडा जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन लोग कम हैं. दिस अकर इन द मोर डेवलप्ड कंट्रीज़, हेयर द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉलर वाइल द रिसोर्सेज आर इन अबंडेंस. द मोर द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज द मोर इज़ द वेस्ट जनरेशन एंड द ग्रेटर इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट. द इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑन द एनवायरमेंट, क्या इफेक्ट आता है कंज्यूमरिज्म का एनवायरमेंट पे. Pollution is a serious problem today due to huge consumer demand. First, environmental degradation and pollution. These are two main effects of consumerism on the environment. So, high rate of consumption and the rapid growth in production of goods and materialism result in environmental devastation. क्या होगा? Environmental degradation और pollution की वजह से जो है consumption ज़्यादा होगा, rapid growth होगी production की, सॉरी गुड्स और मटेरियलिज्म की प्रोडक्शन की, जिससे एनवायरमेंटल डिवास्टेशन और डिग्रेडेशन होगा. एट प्रेजेंट द रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. ठीक है, बिल्कुल हाँ, जो है हम पीक पे हैं कि हमारा जो है रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं या डिग्रेड हो गए हैं या डिवास्टेटेड हो गए हैं. ठीक है, सो दैट इज़ टुडे पीपल ऑफन विश टू इंक्रीज देयर बाइंग एंड स्पेंडिंग पावर and buy more products so that they may keep up with others. होड़ लगी हुई है लोगों को कि मुझे उसके जैसे लेना है, उसके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए, यूज़ में आए या ना आए. ठीक है, आप लोग भी करते हो ना कि जैसे फ़ोन, इसने मेरे फ्रेंड ने ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये वाला फ़ोन लेके आया है वो, मुझे भी यही फ़ोन लेना है, चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं है. अभी आपका फ़ोन चल रहा है लेकिन स्टिल आपके होता है ना अंदर मन में, because of this huge continuously increasing consumer demand the planet itself has been out of balance for many years and this imbalance is now showing itself in the form of climate change. The main effects of consumerism on the environment are number 1 environmental degradation. kya hoga consumerism ka effect? environmental degradation hoga. environmental degradation is one of the impact of consumerism on the environment. High level of consumption and production require large inputs of energy and generate larger quantities of waste byproducts. Moreover, this excessive demand for consumer products has created most of the current environmental imbalances. ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा resources आप लेते रहोगे अर्थ से, environment से, तो environmental imbalance होगा. सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप बिना बात का जो है वेस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा. इंक्रीज्ड एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स कैन डैमेज द एनवायरमेंट एंड इन अ लॉन्ग रन लिमिट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इकोनॉमी पे उसका असर आएगा. इसके बाद है एनवायरमेंटल डंपिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज़. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो एनवायरमेंटल डंपिंग करते हैं. कहाँ करते हैं? जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे. क्या करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं? अपने आप को पोल्यूशन से बचाने के लिए, अपना एनवायरमेंटल जो है इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंट है अपना, जो वो ठीक रखने के लिए करते हैं, they shift their heaviest polluting industries to less developed countries causing the dumping of waste in less developed countries. ठीक है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होंगे वो कहाँ डंप होंगे, जाके लेस डेवलप्ड में कंट्रीज में डंप हो जाएंगे. इन अदर वर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज कंज्यूम पॉल्यूशन इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर बाय डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, वो जब
प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वो उन्हें ले लेती हैं, लेकिन जब वो बन रहे होते हैं जो वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डंप कहाँ होगा, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। सो नेक्स्ट इज पॉल्यूशन बाय द यूज़ ऑफ फ्यूल्स। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूल्स इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू बिकॉज द मशीन इट गोज इन टू टर्न्स इट इन टू पॉइजनस गैस दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरली विच इज़ ऑमिटेड इन टू वर्ल्ड्स एटमोसफेयर। फर्दर मोर विद द ह्यूज consumer demand today we have more and more vehicle which run on motor oil and this oil pollutes our environment। dekha hai sabne kitna fuel hum log use karte hain har jagah aur bina baat ek person ja raha hai ek gaadi ek ghar ke sath ek ghar mein 5 member hai family mein to panchon ke paas alag alag gaadi sab apne alag alag use kar rahe hain two wheelers alag hai four wheelers alag hain theek hai to this is just a wastage and wastage of products, wastage of fuels, and also we are polluting the environment. Now coming to public awareness. So public awareness, होती क्या है public awareness? हम लोगों को aware करते हैं, educate करते हैं, उनको knowledge provide करते हैं, उनके misconceptions दूर करते हैं, उनके myths दूर करते हैं लोगों को, ठीक है? उसके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी हैव जनरेटेड प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेड टू ए डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। टू प्रिवेंट द एनवायरनमेंट फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड एंड इनिशिएटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस थ्रू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। उनको क्या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को? NGOs बोलते हैं। टू टेक पार्ट इन प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट। So environmental pollution cannot be prevented by laws alone. Public participation is equally important with regard to environmental protection. अब जैसे आप कोविड में देख रहे हो, कोविड-19 में खाली गवर्नमेंट अगर लॉज बना देगी तो कुछ हो जाएगा जब तक कि पब्लिक उस उन्हें ओबे ना करे, पब्लिक पार्टिसिपेट ना करे कि हमें ये कम करना है। हम पब्लिक को पता ही ना हो कि इससे क्या होता है, क्यों लॉ बनाए गए हैं, क्यों मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है? तो जब तक पब्लिक खुद नहीं चाहती, पब्लिक खुद से वो नहीं करती है, वो काम प्रैक्टिस में नहीं लाती, अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती है, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, ना ही लॉज बनाने से कुछ होता, ठीक है? इसी तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी खाली लॉ बनाने से या गवर्नमेंट के कोई भी प्रोग्राम चलाने से कुछ नहीं होता है जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता। सो environmental sensitivity in our country can grow only through a major public awareness campaign. This has several tools such as electronic media, press, school and college education, adult education, which are all essentially complementary to one another. Environment education is a process of learning by giving an overall perspective of knowledge and awareness of the environment. ठीक है? तो एनवायरमेंटल एजुकेशन होती क्या है? ये लर्निंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एनवायरमेंट से रिलेटेड लोगों को नॉलेज देते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं। इट सेंसिटाइजेस द सोसाइटी अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस देयर बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक फॉर प्रॉब्लम्स सच एज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन टॉपिक्स पे हम पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइनिंग फिशरीज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, लैंड डिग्रेडेशन, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सप्लाईज, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज डिस्पोजल। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस? क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है, क्यों पब्लिक अवेयरनेस से होगा क्या? सो क्यों ज़रूरी है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पब्लिक और पीपल ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन, क्रिएटिंग सच एन एटमोसफेयर सो दैट पीपल मे फाइंड देमसेल्स फिट इनफ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रिजर्व फॉरेस्ट कवर, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व एनर्जी, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, to practice green technology, for treatment of air emissions, for treatment of waste waters, for water waste reduction, waste or emission management,
यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी ऑन द प्रायोरिटी, ठीक है, ताकि लोग ये सब चीज़ें करने लगें. सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, हम क्या टूल्स हैं जिनको यूज़ करके पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स एंड फैमिली के थ्रू, ठीक है. उसके बाद है नर्सरीज, स्कूल्स एंड स्कूल्स ऑफ हायर एजुकेशन, वहाँ पे हम अवेयर कर सकते हैं. चर्चेज एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं हम, फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टीचर्स एंड कलीग्स एंड एक्वेंटेंसेस के थ्रू, लीडर्स के थ्रू, मैसेजेस ट्रांसमिटेड थ्रू मास मीडिया और सोशल मीडिया, ठीक है, मॉरल अथॉरिटीज़ के थ्रू, जैसे कि पंडित जी होते हैं, ठीक है, या कोई सोशल लीडर्स हो गए उनके थ्रू, साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस उनके थ्रू, ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस इनके थ्रू, ठीक है, खुद के अपने एक्सपीरियंस के साथ और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है पब्लिक अवेयरनेस की जा सकती है. सो दीज आर द टूल्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.